मैं तुलसी प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानमुत्ता संस्कृत व्याकरण यण संधि का सूत्र होता है इको यजी इक प्रत्याहार ई ऊ री दीर के बाद कोई भी असमांस होते हैं तो उनके स्थान पर यण प्रत्याहार य ल हो जाता है उसे यण संधि कहते हैं। इक प्रत्याहार ई ऊ री के बाद कोई भी असमांस आते हैं तो उनके स्थान पर यण प्रत्याहार य र ल हो जाता है उसे यण संधि कहते हैं। इसके उदाहरण हैं यदि धन अपि बराबर यद्यपि ईधन औ करके य हो जाता है, प्रतिधन एक प्रत्येक ईधन ए करके य हो जाता है, सुधन आगतम स्वागतम उधन आ करके व हो जाता है, मधुधन अरि मधुअरि औधन करके व हो जाता है, पितृधन आज्ञा पितृज्ञा रीधन आ करके र हो जाता है, निर्धन आकृति ला कृति निर्धन आ करके ल हो जाता है। यह यण संधि के उदाहरण है। उसके बाद आते हैं वृद्ध संधि। वृद्ध संधि का सूत्र होता है वृद्ध रेजी, लेकिन इसमें परिभाषा के हिसाब से बता रहा हूँ। परिभाषा इसकी है जब औया आ के बाद ए आई ओ औ होते हैं तो उनके स्थान पर आई औ हो जाता है उसे वृद्ध संधि कहते हैं। जब औया आ के बाद ए आई ओ औ होते हैं तो औया कहते हैं। जैसे एक धन एक है, एक एक है, और धन एक करके आय हो जाता है, तौ धन ऐश्वर्यम तवे सर्यम और धन आय करके आय हो जाता है, ऊष धन ओधनम उष्णोधनम और धन औ मिलकर के औ हो जाता है, महाधन औषधि महौषधि आर धन औ मिलकर के औ हो जाता है। कहते हैं।